कम अप आवर कॉलीग विजय त्रिवेदी स्पीकिंग। गुजरात में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार जीत हासिल की है और वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की संभावना दिखाई दे रही है। इस समय हमारे साथ है पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी, आपको बधाई कि आपकी पार्टी ने गुजरात में फिर से जीत हासिल की है। किसको श्रेय देते हैं, नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को? श्रेय का प्रश्न नहीं है। सबसे पहले तो मैं गुजरात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और साथ ही साथ गुजरात की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं गुजरात की इस शानदार विजय के लिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की विजय है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही थी, उसके द्वारा किए गए विकास कार्यों की यह विजय है। लेकिन आपको नहीं लगता? मैं ये भी कहना चाहता हूं कि गुजरात में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी ने लगातार शानदार यह सफलता हासिल की है और अब गुजरात की जनता ने सारे देश को यह संदेश दे दिया है कि सचमुच विकास कार्य यदि कोई सरकार कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। अन्ना जी, आपको नहीं लगता कि यदि मोदी लार्जर देन लाइफ नहीं होते, पार्टी से बड़े नहीं होते, तो शायद आपकी जीत और मजबूत होती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। सभी पार्टी हम हैं, चाहे कोई हो, अटल जी हो, अडवाणी जी हो, सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन पार्टी ने जैसे पार्टी के और वरिष्ठ नेताओं को, केशुभाई पटेल को, सुरेश मेहता को और लोगों को इग्नोर किया, यदि वो सब भी साथ चलते तो शायद आपकी जीत और मजबूत होती, आपको नहीं लगता? देखिए, किसी को इग्नोर करने का प्रश्न नहीं है। पार्टी है, पार्टी में अनुशासन कायम रहना चाहिए और बराबर भारतीय जनता पार्टी ने यही प्रयत्न किया है कि पार्टी का अनुशासन किसी भी सूरत में न टूटने पाए। लेकिन आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी पार्टी से बढ़कर नहीं है? आप बार बार ये सवाल क्यों पूछें? नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसा नहीं कहा। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी वहां की सरकार को नेतृत्व दे रहे थे, वो वहां के मुख्यमंत्री थे। एक उनकी और साथ ही साथ उनकी सरकार की एक साफ सुथरी छवि थी और उनकी सरकार ने विकास कार्य ठीक तरीके से किया है। और ठीक तरीके से ही नहीं, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि सचमुच विकास के मामले में श्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने गुजरात को एक मॉडल स्टेट के रूप में प्रस्तुत किया है। राजनाथ जी, आपको लगता है कि इससे प्रधानमंत्री पद के लिए जो लालकृष्ण आडवाणी जी की उम्मीदवारी थी उसका रास्ता साफ हुआ? मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मीडिया के लोग भी बार 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 आप सारे मीडिया के लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि किस प्रकार का एग्जिट पोल दे रहे थे, बार बार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की इमेज को मैलाइन करने की कोशिश कर रहे थे। मैं ये कहना आडवाणी जी प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रोजेक्ट किया है, एनडीए के सारे घटकों ने उनका स्वागत किया है और गुजरात के इस चुनाव परिणाम ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगली सरकार भी बनने जा रही है केंद्र में, तो वह एनडीए की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने जा रही है, जिसके प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी। क्या एनडीए के जो एजेंडा है वो भी हिंदुत्व का एजेंडा होगा गुजरात की? क्यों एजेंडा की बात, क्यों किस एजेंडा की बात आप कर रहे हैं? जो गुजरात में हिंदुत्व का एजेंडा चलाया पार्टी, सारे एनडीए के लोग बैठकर तय करेंगे। गुजरात की जनता ने जो कुछ भी किया है, अब मैं समझता हूं उससे मीडिया के मित्रों में भी अब क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अब इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ भाजपा के नेताओं को मलाइन करने की कोशिश न करें और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच अनावश्यक कलह पैदा करने की अपनी भूमिका का निर्वाह न करें मीडिया।